हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं एनसीएल रिसर्च शेयर के बारे में। दोस्तों, क्या इस शेयर को खरीदना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल आज की डेट में तो जबरदस्त रिटर्न दिया है कंपनी। दोस्तों, आप देखोगे कंपनी 91 पैसा करके मार्केट में यहाँ पर अभी मिल रहा है। आप देखोगे तो ये शेयर करीबन 3 रुपये तक हाई लगाया था 2017 में, उसके बाद लो लगाया था और हाई लगाया 2 रुपये 33 पैसा, अभी लो लगाया है। 71% की कंपनी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है, डाउनफॉल रिटर्न दिया है। क्या शेयर को बाय करना चाहिए, हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहेगा बाय करेंगे, नहीं तो दोस्तों अवॉइड करेंगे। रेवेन्यू में ग्रोथ, नेटवर्क में ग्रोथ, प्रॉफिट में थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन ग्रोथ हुआ है, तो हम लोग थोड़ा बहुत पैसा तो लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग को एक नेगेटिव बात नजर आ रहा है कि कंपनी में प्रमोटर नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, ओनली पब्लिक ही माल रखा है, जो कि नेगेटिव बात है। कंपनी का फुल डिटेल्स देखोगे बीएससी में लिस्टिंग है, 97 करोड़ का मार्केट कैप है, पीटी के बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, हाई लो देख सकते हो, डिविडेंड नहीं देता है, आरओसी पॉजिटिव, फेस वैल्यू 1 का है, कर्जा 1 भी रुपये का नहीं है, अच्छा बात है। रिजर्व यहाँ पर देखोगे रखा है, एसेट रखा है, वॉल्यूम मिलियंस में क्योंकि कम अमाउंट में मिल रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं। फ्री कैश नहीं रखा है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, नेटवर्क पॉजिटिव, 6 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है, सेल ग्रोथ बढ़ाए, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ाए, नेट प्रॉफिट बढ़ाए, तो मिनिमम अमाउंट लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग होल्ड करेंगे, एक शानदार रिटर्न कंपनी हम लोग को प्रोवाइड करेगा। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।